ये बात है एक साल पहले की, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की डॉटर हर्षिता केजरीवाल के साथ एक ओएलएक्स का फ्रॉड हुआ। ये क्या था पूरा फ्रॉड बताने वाला हूँ, तो प्लीज बने रहना इस वीडियो के एंड तक। हर्षिता ने अपने घर के एक सोफा सेट का अमाउंट 34,000 रुपीज रखा, मतलब 34,000 रुपए, और ये जो अमाउंट था ये उन्होंने डाला ओएलएक्स पे, ठीक है, इसको सेल करने के लिए, इस वाले सोफा सेट को सेल करने के लिए। तो कुछ ही दिनों में क्या हुआ कि उनके पास एक बायर आया, एक खरीदने के लिए बंदा आया, और वो बंदा बोलता है कि ये जो आपका सोफा सेट है इसको खरीदने में काफी इंटरेस्टेड हूँ और सच में मैं इसको खरीदने वाला हूँ, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से मैं इसको आपके घर पर आकर खरीद नहीं सकता और मैं ये भी नहीं चाहता कि इसको और कोई खरीद ले, तो सिंपली ना मैं इसका जो पेमेंट है वो अभी मैं आपको ऑनलाइन डाल रहा हूँ। और हर्षिता इसके लिए राजी भी हो गई। जो स्कैमर था उसने सबसे पहले तो उनको एक क्यूआर कोड भेजा और उनको बोला कि आप इस पे अपनी यूपीआई आईडी डालिए, और हर्षिता ने इस वाले क्यूआर को स्कैन करा और हर्षिता के अकाउंट में कुछ अमाउंट आ गया। और इससे क्या हुआ कि जो वो हर्षिता थी उनको उस स्कैमर पर ट्रस्ट हो गया, मतलब उस स्कैमर ने अपने ऊपर हर्षिता का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। और फिर जो सेकेंड टाइम पर जब पेमेंट की बारी आई और फिर जो स्कैमर था उसने हर्षिता को एक क्यूआर कोड भेजा और उनसे बोला कि अब आप इस वाले क्यूआर कोड पर पेमेंट करिए ताकि जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है वो भी आपके पास आ जाए, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये जो स्कैमर लोग होते हैं ना, कुछ इस तरह के क्यूआर कोड डिजाइन करते हैं, मतलब जिससे क्या हुआ कि अगर हम उनको स्कैन करेंगे ना तो जो अमाउंट है वो हमारे ही खाते में आएगा, ठीक है, क्योंकि कई सारे ना आज के टाइम में ऐसी वेबसाइट्स होती हैं, ऐसे गेटवेज होते हैं पेमेंट की, जिनकी वजह से क्या होता है कि जो अमाउंट होता है वो हम सामने वाले के अकाउंट में नहीं कर रहे होते बल्कि अपने ही अकाउंट में हो जाता है। ये लोग इस तरह का कुछ क्यूआर कोड डिजाइन करते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो वो स्कैमर था जब उसने ये वाला क्यूआर कोड हर्षिता को भेजा तो हर्षिता ने वो वाला क्यूआर कोड को स्कैन कर, और इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन करते 20,000 रुपीज का जो अमाउंट था वो हर्षिता के बैंक से निकल गया। और जैसे ही 20,000 रुपए हर्षिता के अकाउंट से निकले और उस स्कैमर के खाते में गए तो उस स्कैमर ने तुरंत मैसेज करा, अरे सॉरी मेरे से गलती हो गई, आपको मैंने अपना पेटीएम का क्यूआर कोड सेंड कर दिया जिससे कि जो आपका अमाउंट था वो आपके बैंक से मेरे बैंक में आ गया, बल्कि मेरे बैंक से आपके में जाना चाहिए था, तो सॉरी फॉर दैट, मैं आपको थर्ड क्यूआर कोड भेजता हूँ। तो तीसरा क्यूआर कोड उसने भेजा हर्षिता को ताकि आप इस पर पेमेंट करो और आपकी बार जो आपका पूरा पेमेंट है वो आपके खाते में हो जाए, आपके अकाउंट में हो जाए। तो हर्षिता ने कहा हाँ ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि गलती से हो गया हो। जब उस स्कैमर ने तीसरा क्यूआर कोड भेजा, बाकी का अमाउंट था मतलब 14,000 रुपीज का वो क्यूआर कोड था थर्ड वाला, और सारा का सारा जो 14,000 रुपए था वो हर्षिता के अकाउंट से स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो ये समझ लो कि जो वो स्कैमर था उस स्कैमर ने हर्षिता के अकाउंट से दो इंस्टॉलमेंट पे वो अमाउंट निकाला, पहले तो 20,000 रुपीज पर और जो दूसरा पेमेंट निकाला वो 14,000 रुपीज पर। तो इस तरह से ये जो पूरा स्कैम था ये हुआ था हर्षिता के साथ। और जब इस पूरे स्कैम की सोसाइटी में बात फैली तो भाई बस कुछ कहने की नहीं, ये पूरा स्टोरी था। तो गाइस इस पूरी स्टोरी से मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं जिनको कि मैं दो पॉइंट्स में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका प्रिकॉशन कि आपको इन स्कैम से कैसे बचना है। देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास कोई बंदा आता है OLX पर, अगर आप लोग सेलिंग करते हो उस पर्पज से आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा आपके पास आता है कि मेरे को आपका ये प्रोडक्ट चाहिए या फिर वो प्रोडक्ट चाहिए, सिंपली वो बंदा ना आपको कभी भी ना पेमेंट के बारे में सबसे पहले नहीं बोलेगा, वो आपको हमेशा बोलेगा कि सर आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, क्या इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, मैं इसको एक बार चेक कर सकता हूँ, क्या वीडियो कॉल लगा सकते हो क्या, तो ये कुछ इस तरह से बोलेगा। और कई बार तो क्या होता है कि वीडियो कॉल में भी कुछ एक्सटॉर्शन जैसी साइबर क्राइम्स होते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे भी बच के रहिएगा। अगर आप कभी वीडियो कॉल करो तो हमेशा प्रोडक्ट की साइड ही आप अपने मोबाइल का कैमरा रखना, अपने फेस का मत दिखाना प्लीज। और जो सेकंड प्रिकॉशन था वो ये है कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी ये UPI के QR कोड्स होते हैं, आइदर वो पेटीएम का हो, फोन पे का हो और गूगल पे का ही क्यों ना हो, ये जो QR कोड होते हैं ये हमेशा पेमेंट करने के लिए यूज होते हैं, ना कि पेमेंट लेने के लिए। अगर आपको कोई बंदा QR कोड स्कैन कर रहा है और बोल रहा है कि आप इस QR कोड को स्कैन करो ताकि आपके खाते में कुछ पैसे आ जाएं, तो ये समझ लो बहुत तगड़ा लोचा है। अगर आपने इस बात पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका बैंक अकाउंट भी कुछ इस तरह से ही खाली हो सकता है। पूरी स्टोरी के कंक्लूजन का जो मैंने दूसरा पॉइंट था वो ये निकाला कि अगर आपके साथ ये OLX का स्कैम हो चुका है तो आपको सिंपली ना दो काम करने हैं। सबसे पहले तो आप OLX की वेबसाइट पर जा सकते हो जो कि है help.olx.in, ऑफिशियल वेबसाइट है OLX की। जो भी कस्टमर इस तरह कुछ इंसिडेंट फेस करते हैं उनके लिए है ये, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहली चीज है वो है आप यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर पर कॉल कर सकते हो जो कि है 9999410999, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है इनकी ईमेल आईडी, ठीक है, safe@olx.in। आप सिंपली इनको मेल कर सकते हो, अपनी सारी डिटेल्स आप मेल पर डाल सकते हो,
ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था इस पूरे वीडियो के थ्रू। और गाइस अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलना, नॉलेजेबल हो तो प्लीज इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करना ताकि इस स्कैम के रिगार्ड्स पूरी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोगों को अवेयरनेस मिल पाए। ठीक है, तो गाइस थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।